अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मेथी दही पूरी। तो हमने यहाँ पर 2 कप फ्रेश मेथी ली और इसे अच्छी तरह धोकर काट लिया। आधा कप यहाँ दही लेंगे, 1 टीस्पून नमक, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक और लहसुन लेकर हमने इसे पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ तेल और 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन। 2.5 कप हमने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटे में ये तेल डाल देंगे, दही डाल देंगे, मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और अजवाइन डाल देंगे, नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अब डाल देंगे इसमें ये मेथी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और इसका हम सख्त आटा गूंदकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो आटे को हमने यहाँ गूंद लिया है और ये आटे को हमने थोड़ा सा सख्त ही गूंदा है। अब रख देते हैं हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो आटा अच्छी तरह सेट हो गया है, अब बनाते हैं हम इसकी पूरियाँ। तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे हम, इस तरह की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे बेल लेंगे और इस तरह हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो पूरियों को हमने यहाँ बेल लिया है और कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो गरम तेल में हम इसे बड़े सावधानी से डालेंगे, यहाँ कुछ हम इसे इस तरह दबाएंगे ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए। थोड़ी देर के बाद में इसे पलट देंगे और जब दोनों तरफ से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये पूरियाँ बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।